दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। पहले 3 से 4 महीनों में कभी एक बार भूकंप के झटके महसूस होते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि एक हफ्ते में ही 2 से 3 भूकंप के झटके आने लगे हैं। लिहाजा लोग अब डरे हुए हैं। दिमाग में सवाल बार बार उठ रहा है कि कहीं लगातार आने वाले झटके किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं दे रहे हैं। बार बार भूकंप के झटके दिल्ली, UP समेत उत्तर भारत के राज्यों को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? दक्षिण भारत तक इनका असर क्यों नहीं होता? सवाल ये भी है कि अगर बड़ा भूकंप आता है तो क्या लोगों के घर इस झटके को सहन कर पाएंगे? इन सब सवालों का हम आपको जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए आपका सेस्मिक जोन क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। दरअसल भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जितनी बार ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी उतनी बार ऊर्जा पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी और भूकंप के झटके महसूस होंगे। भूकंप की तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए अलग अलग जोन बनाए गए हैं, इन्हें सेस्मिक जोन कहते हैं। भूकंप के खतरे के हिसाब से देश को 4 जोन में बांटा गया है, जैसे जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। सबसे कम खतरे वाला जोन 2 है और सबसे ज़्यादा खतरे वाला जोन 5 है। सेस्मिक जोन 1 भी होता है, लेकिन क्योंकि भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ बिल्कुल भी भूकंप के झटके महसूस नहीं होते, इसलिए जोन को शामिल नहीं किया जाता। गौर करने वाली बात यह है कि इस कैटेगरी में दिल्ली NCR को भूकंप के 4th जोन में रखा गया है। 5 लेवल के जोन है, दिल्ली 4th जोन में है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है और समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की तीव्रता अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेस्मिक जोन 4 के हिसाब से दिल्ली एक हाई रिस्क एरिया है। यहाँ पर अब आपको रिक्टर स्केल के बारे में भी जानना चाहिए। रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिस पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 2 से लेकर 2.9 की तीव्रता वाले लगभग 1000 झटके रोजाना दर्ज किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये भी महसूस नहीं होते। रिक्टर स्केल पर 3 से लेकर 3.9 की तीव्रता वाले झटके साल में लगभग 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। ये झटके भी अक्सर महसूस नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये नुकसान पहुंचा जाते हैं। 4 से लेकर 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप साल में लगभग 6,200 बार दर्ज किए जाते हैं। इस लेवल के भूकंप से थरथराहट महसूस होती है और कई बार नुकसान भी हो जाता है। 5 से लेकर 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप साल में लगभग 800 बार महसूस होते हैं। इस लेवल का भूकंप खतरनाक साबित हो सकता है और अगर मकानों की नींव कमज़ोर हो तो वो ढह भी सकते हैं। दिल्ली NCR में आमतौर पर इस तीव्रता के भूकंप आते हैं। 6 से लेकर 6.9 तीव्रता वाले भूकंप साल में लगभग 120 बार दर्ज किए जाते हैं और ये 160 किलोमीटर के दायरे में काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। इस भूकंप के चलते वहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, वहीं सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। 7 से लेकर 7.9 की तक की तीव्रता वाले भूकंप एक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकते हैं और ये एक साल में लगभग 18 बार दर्ज किए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में तुर्की और सीरिया में 7.8 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। इस भूकंप के चलते दोनों देशों में करीब 55,000 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं लाखों लोग घायल हो गए थे। रिक्टर स्केल पर 8 से लेकर 8.9 तक की तीव्रता वाले भूकंप सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में भीषण तबाही मचा सकते हैं, वहीं 9 से लेकर 9.9 तक की तीव्रता वाले भूकंप हज़ारों किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। इस तरह के भूकंप 20 साल में कभी एक बार आते हैं और भीषण तबाही मचा के चले जाते हैं। दिल्ली भारी आबादी वाला शहर है, ऐसे में यहाँ अगर 8 या 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो क्या होगा ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। यहाँ पक्के मकानों के साथ साथ लाखों झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। 7 और उससे ऊपर की तीव्रता का भूकंप तो पक्के मकानों की नींव को भी हिला सकता है। ऐसे में झुग्गी झोपड़ियों का हाल क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि बार बार आ रहे छोटे भूकंप एक बड़े भूकंप की आहट दे रहे हैं। हालांकि इस मामलों पर एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। जैसे हमने बताया कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने पर आते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एनर्जी अगर धीरे धीरे छोटे भूकंप के तौर पर ही निकले तो ये अच्छा रहता है। एक साथ अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो बड़ा भूकंप आएगा और ये तबाही ला सकता है। मतलब ये छोटे भूकंप एक बड़ी आपदा को दूर रखने का काम कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक हिमालयन रीजन, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसके पास का जो एरिया है वहाँ ज़्यादा एनर्जी स्टोर है और ये एनर्जी फिलहाल ज़मीन के नीचे से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अगर ये एनर्जी एक साथ बाहर निकलती है तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और इन सब देश जो एशियाई देश हैं उनकी ऊपरी ज़मीन इस बोझ को सहन नहीं कर पाएगी। फिलहाल ज़्यादातर जो भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस होते हैं उनका एपिसेंटर यानी उनका केंद्र नेपाल या अफगानिस्तान में होता है। नेपाल, अफगानिस्तान में अगर 6 तीव्रता का भूकंप आता है तो उसके झटके दिल्ली में महसूस होते हैं। हालांकि जो उसकी तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एपिसेंटर से जितना दूर होगा उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। अब क्योंकि हम भूकंप को रोक नहीं सकते ना टाल सकते हैं, इसलिए बचाव ही एक ज़रिया है। बचाव के लिए भी सिर्फ भूकंप के आने का अंदेशा लगाया जा सकता है, एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि दिल्ली NCR समेत पूरे देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएँ।
पाकिस्तान के हिंदू कुश में अगर भूकंप आता है तो हमें करीब 5 मिनट बाद पता चलेगा। ये 5 मिनट जीवन और मौत के बीच का अंतर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से हमने आपके कई सवालों का जवाब दे दिया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।